दोस्तों आप लोग कैसे हो, आशा करता हूं सब लोग एकदम बढ़िया होंगे। तो आज का वीडियो में हम लोग बात करेंगे, कभी कभी क्या होता है, हम लोग मोबाइल चलाते चलाते अपना जो मोबाइल है हैंग होके अटक के रह जाता है और उसके बाद जो है कुछ भी काम नहीं करता है। पावर बटन भी काम नहीं करता है, वॉल्यूम का प्लस माइनस भी काम नहीं करता है, टच स्क्रीन भी काम नहीं करता है। करता है कि नहीं, ऐसा होता है ना? अगर आपका ऐसा हो रहा है या तो हो चुका है तो आप उसको कैसे ठीक कर सकते हो? क्या आपको रिपेयरिंग शॉप लेके जाना चाहिए? एकदम नहीं। दूसरा प्रॉब्लम है, अगर आपका मोबाइल चलाते चलाते स्विच ऑफ हो गया या तो आपने मोबाइल रख दिया था, स्विच ऑफ हो गया और ऑन नहीं हो रहा है, क्या आप उसको ऑन कर सकते हो? जरूर कर सकते हो। इसका छोटा सा एक ट्रिक है, मैं बताऊंगा वीडियो में, आगे तक बने रहो। तीसरा होता है, अगर आपका मोबाइल वीवो का लोगो आके अटक के रह गया, मतलब आपने स्विच ऑफ करके रख दिया था या तो आपने मोबाइल एक बार रिस्टार्ट किया, वीवो का लोगो आके अटक गया, रियलमी का लोगो आके अटक गया, या तो कोई भी कंपनी का मोबाइल हो, कोई भी कंपनी का लोगो आके अटक जाता है आपका मोबाइल, तो क्या आप उसको ठीक कर सकते हो? 100% ठीक कर सकते हो दोस्तों। किसी रिपेयरिंग शॉप में लेके जाने का जरूरत नहीं है, 100% घर में ही ठीक कर सकते हो। देखिए दोस्तों, इसका प्रॉब्लम क्या है मैं पहले बताऊंगा, उसके बाद जो है मैं उसका सलूशन के बारे में बताऊंगा। अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हो, वीडियो को एक लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि ऐसे ही मोबाइल के बारे में अच्छा अच्छा वीडियो मैं हमेशा लाता रहता हूं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, एक्चुअली में क्या होता है मैं पहले बता देता हूं। अगर आपका मोबाइल ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो चुका है और ऑन नहीं हो रहा है तो आपका बूट मेन्यू जो है फेल हो चुका है, ठीक है दोस्तों। दूसरा तीसरा यही मेथड है, लेकिन तीसरा मेथड में जब आपका मोबाइल अचानक चलते चलते अटक के रह जाता है, कुछ भी काम नहीं करता है, वो जो है हैंग का प्रॉब्लम है। हैंग होके आपका मोबाइल जो है स्टॉक हो गया और आपका जो है मोबाइल ऑन नहीं हो रहा है। लेकिन अगर वीवो लोगो आके अटक गया, रियलमी लोगो आके अटक गया, ये जो है बूटिंग का प्रॉब्लम है, बूट मेनू का प्रॉब्लम है। तो आप इसको कैसे ठीक कर सकते हो? देखिए दोस्तों, साधारण सी ट्रिक है, एकदम छोटा सा ट्रिक है, आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर आपका इसमें से तीनों में से कोई भी एक प्रॉब्लम है, आप एक छोटा सा काम कीजिए, वॉल्यूम का प्लस माइनस पावर बटन एक साथ एकदम से प्रेस करके रखिए। मतलब आपका कोई भी कंपनी का मोबाइल हो, वॉल्यूम का प्लस माइनस और जैसे ही पावर बटन एक साथ दबा के रखोगे, हो सके तो एक डेढ़ मिनट दो मिनट लगे, जैसे ही प्रेस करके रखोगे, आपका अगर बूट मेन्यू में जाके अटक गया होगा, रीबूट हो जाएगा। अगर आपका वीवो में या तो ओप्पो में कोई भी कंपनी का मोबाइल में हैंग होके अटक के रह गया होगा, फिर आपका मोबाइल स्विच ऑफ होके ऑन हो जाएगा। अगर आपका ऑन नहीं हो रहा है, बंद हो गया होगा, बूट मेन्यू में अटक के रह गया होगा, तो फिर आपका मोबाइल क्या होगा, बूट मेन्यू जो है रीबूट होके अपना मोबाइल जो है स्टार्ट हो जाएगा। तीनों में यही चीज करना है, दूसरा आपको कुछ भी करने का जरूरत नहीं है, चुटकी में आपका मोबाइल ठीक हो जाएगा, आपका मोबाइल जो है रिस्टार्ट होके ऑन हो जाएगा और आपका मोबाइल रेडी हो जाएगा। यही होता है दोस्तों, दूसरा आपको कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर एक लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि ऐसे ही मोबाइल के बारे में अच्छा अच्छा वीडियो में लाता रहता हूं दोस्तों। और कमेंट जरूर करना कि ये ट्रिक काम करता है कि नहीं, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।